अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स पीएमसी वालों ने एक और मॉडल पेपर अपनी वेबसाइट पे जारी किया है और उसमें से फिज़िक्स के पोर्शन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स की ये वीडियो हम दो पार्ट्स में बनाएंगे पहले पार्ट में हमने बनाए हैं थर्मोडाइनमिक्स तक जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी सवाल हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो जैसे ही बन जाएगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्होंने फोर्स इन मोशन से दिया है वेलोसिटी वाले टॉपिक से रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है यहाँ पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को यहाँ पे हम टिक करेंगे दूसरा सवाल है अ मोशन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाय अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो विलासटी है यूनिफॉर्म पर अगर कर्बड लाइन आप जहाँ पे देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि विलासिटी इज़ इंक्रीजिंग तो यहाँ पे हम टिक करेंगे अ हॉरिजेंटल लाइन ऑप्शन ए नहीं अ करव लाइन विथ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट नहीं स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्सटेंट ग्रेडियंट नहीं यहाँ पे डी ऑप्शन हम टिक करेंगे अ कर्व लाइन विथ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मतलब इंक्रीजिंग स्लोप तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लोप हमारा इंक्रीज होता जा रहा है डी ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे नंबर थ्री सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट मूविंग फ्रेम इज सेम इन सेम डायरेक्शन इज अब अगर फ्रेम रुका हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट को हम टिक करेंगे खाली एक्स पर अगर फ्रेम बी चल रहा है विध वेलोसिटी वी तो यहाँ पे हम टिक करेंगे एक्स माइनस वी टी रिलेटिव मोशन है ये क्वेश्चन नंबर फोर है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग अ सर्किल ऑफ़ फाइव मीटर रेडियस इन फाइव सेकेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने जहाँ से शुरू किया है वहीं पर ही ख़त्म किया है तो नेट डिसप्लेसमेंट इसका ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी ज़ीरो बनेगी उसके बाद है नंबर फाइव एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिस्टेंस इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम टिक करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नंबर सिक्स है डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज़ ऑलवेज तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करती है तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे ए ऑप्शन नेगेटिव बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव है ज़ीरो है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे नेगेटिव ए ऑप्शन को उसके बाद है नंबर सेवन केस ऑफ हारमोनिक ऑसिलेटर टोटल एनर्जी रिमेन तो हारमोनिक ऑसिलेटर में यानी टू इनफ्रोमोशन में टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वेरिएबल बी इन्फिनिटी सी कॉन्सटेंट या डी ज़ीरो तो यहाँ पे हम सी टिक करेंगे कॉन्स्टेंट को उसके बाद है नंबर एट अ बुलेट फायर फ्रॉम गन कैन पियर्स अ टारगेट डू टू तो बुलेट को जब हम फायर करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वो किसी भी टारगेट को पियर्स करती है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हीट एनर्जी दूसरा मैकेनिकल एनर्जी सी एक्सेलरेशन और डी काइनेटिक एनर्जी तो डी को हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास टू के जी एंड मोमेंटम टू न्यूटन इज तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काइन मास है टू के जी मोमेंटम है टू न्यूटन न्यूटन तो काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर अपन टू एम तो यहाँ पे वैल्यू हमने लगाई है तो आंसर आया है वन जूल तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे उसके बाद है नंबर ट्रेन फोर्स कांस्टेंट के वन एन के टू ऑफ टू स्प्रिंग्स आर इन द रेशो ऑफ फाइव रेशो फोर दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ इफ़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वन स्प्रिंग इज़ ट्वेंटी फाइव जल दिन द दे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड स्प्रिंग इज़ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेशो जो है वो फा और के का रेशो फाइव रेशो फोर है डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम है यानी एक दोनों के सेम है एक की पोटेंशियल एनर्जी ट्वेंटी फाइव जो है दूसरी की पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो हमने रखा है यहाँ पे पी पोटेंशियल एनर्जी वन है वन पॉइंट टू के वन एक्स स्क्वायर और दूसरे की है वन पॉइंट टू के टू एक्स स्क्वायर एक्स दोनों का सेम है इसलिए हमने कैंसिल कर दिया है वन पॉइंट टू भी कैंसिल हो गया बाकी के वन और के टू का रेशियो हमने रखा है फाइव रेशो फोर अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी वन की ट्वेंटी फाइव है वो हमने रखी है पी टू हमने मालूम करनी है और क्रास मल्टीप्लाई करने के बाद पोटेंशियल इनर्जी सेकंड की जो हमें मिली है वो ट्वेंटी जोल मिली है डी ऑप्शन यहाँ पे हम पहला ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव दूसरा सिक्सटीन तीसरा हंड्रेड और चौथा डी ट्वेंटी है तो ट्वेंटी हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे उसके बाद नंबर एलेवन है अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्किल एट कॉन्स्टेंट स्पीड विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू तो जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स एक्स द सेंटर ऑफ़ द सर्किल तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम ट्रिक करेंगे इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स बी ये भी नहीं करेंगे द रिजल्टेंट फोर्स एक्स ऑलवेज फ्राम सेंटर ऑफ द सर्किल तो हम कहेंगे द सेंटर यानी सेंट्रीपिटल ए ऑप्शन यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे नंबर ट्वेल्व वाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी तो जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी चेंज इन एंगुलर रोटेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे बाकी ऑप्शन भी आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके बाद नंबर थर्टीन है द एंगुलर मेयरमेंट इज़ नोन एज डेश मेयरमेंट तो पैरामीटर भी नहीं है एरिया भी नहीं है यहाँ ऑफ दिस भी नहीं है तो सरकम ही ठीक लगेगा सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे नंबर फोरटीन द सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन फार्मूला इस गिन है तो सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन का फार्मूला है वी स्क्वायर अपन आर तो वी अपन आर भी नहीं है आर अपन वी भी नहीं है एम ए भी नहीं है तो इसलिए हम ना ना अभी इसको यहाँ पर ट्रिक करेंगे नंबर फोन नंबर फिफ्टीन देंटिपिटल एक्सोलेशन इज मैक्सिमम वेन रेडियस आर इज तो सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन है वी स्क्वायर अपन आर तो सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन और आर इसका इनवर्स रिलेशन है मतलब जैसे ही आर डिक्रीज होगा एक्सोलेशन मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे बी ऑप्शन डिक्रीजिंग को उसके बाद है सिक्सटीन नंबर विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स तो पहले ग्रुप में आप देख रहे हैं माइक्रोवेव रेडियो वेव इन्फ्रा रेड ये सारी इलेक्ट्रो मैगनेटिक हैं दूसरा ग्रुप देखें माइक्रोवेव रेडियो वेव साउंड वेव तो साउंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नहीं है ये और तीसरे ग्रुप में वाटर वेव्स इलेक्ट्रो मैगनेटिक नहीं है और चौथे ग्रुप में वेव्स आन ए रोप तो इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हम चेक करेंगे माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स इन्फ्रारेटिक उसके बाद नंबर सेवनटीन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स में से है वेव पासिस थ्रू अ मीडियम ईच पार्टिकल ऑफ़ द मीडियम परफॉर्म्स हंड्रेड कंप्लीट वाइब्रेशन इन फाइव सेकेंड्स वाट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव तो यहाँ पर साइकल्स वाइब्रेशन हैं हंड्रेड टाइम है फाइव सेकेंड्स तो फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम वाइब्रेशन है हंड्रेड टाइम है फाइव तो फ्रीकुन्सी बनेगी ट्वेंटी हर्ट्स तो यहाँ पर हम टिक करेंगे ए है टू दूसरा है ट्वेंटी तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे एटीन नंबर आप देख रहे हैं इन अ पीरियडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ क्रेस्ट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर वाट इज़ वेव लेंथ ऑफ द वेव तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक वेव बनाई है पीरियडिक वेव बनाई है जिसमें क्रेस्ट को भी मैंने हाईलाइट किया है सेकेंड क्रेस्ट से लेके फिफ्थ क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर है अब सेकेंड से लेके थर्ड क्रेस्ट तक एक वेव थर्ड से फोर्थ तक दूसरी और फोर्थ से फिफ्थ तक तीसरी वेव यानी तीन वेव का डिस्टेंस हमें गिविन है पंद्रह सेंटीमीटर तो एक वेव का डिस्टेंस होगा फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे बी ऑप्शन फाइव सेंटीमीटर हम टिक करेंगे उसके बाद नंबर नाइनटीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज़ टू थाउजेंड हर्स इट्स स्पीड इज थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड वाट इज़ वेव लेंथ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी है टू थाउजेंड हर्ट विलोसिटी है थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड वेव लेंथ मालूम करनी है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा से हमने किया हुआ है तो वेव लेंथ हमें मिली है थ्री अपन ट्वेंटी मीटर सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे थ्री अपॉन ट्वेंटी उसके बाद है नंबर ट्वेंटी द पॉइंट्स विच आर इन फेज आर सेपरेटेड फ्राम वन एंड अदर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पॉइंट्स हैं वन इन टू हैव द सेम फेज और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वन वेव लेंथ हम टिक करेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे नंबर ट्वेंटी वन अ कार ऑफ मास कैपिटल एम इज़ मूविंग विद स्पीड वी द ब्रेक ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट सी इज़ यूज टू स्टॉप द कार if हाफ ऑफ़ the kinetic एनर्जी ऑफ car इज़ absorbed by the ब्रेक देन what इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ़ द ब्रेक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मास ऑफ़ द कार जो है वो कैपिटल एम से शो किया है हमने वेलोसिटी ऑफ द कार है वी तो कार की एनर्जी है वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर अब ब्रेक की बात की जाए तो ब्रेक का मास है एम स्पेसिफिक हीट ब्रेक की है सी चेंज इन टेम्परेचर हमने मालूम करना है तो ब्रेक को जो एनर्जी मिलेगी वो होगी डेल्टा क्यू इजिकल टू एम सी डेल्टा टी और डेल्टा क्यू ये जो एनर्जी ब्रेक लेगा वो कार की एनर्जी में से ले रहा है काइनेटिक एनर्जी में से और वो भी कितनी ले रहा है हाफ़ एम वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिखा है वन अपान टू कैपिटल एम वी स्क्वायर यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है जिसमें डेल्टा टी हमने मालूम किया है ये टू और टू फोर उस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो गया तो डेल्टा टी इज इक्ल टू एम कैपिटल एम वी स्क्वायर अपन फोर एम सी तो एप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से हम टिक करेंगे ए ऑप्शन कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉइन फोर एम सी नंबर ट्वेंटी टू अ फाइव हंड्रेड वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज टू हीट वन के जी ऑफ वाटर विदाउट एनर्जी लॉसेज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ फोर पॉइंट टू जोल पर के जी पर कैलविन वाट इज़ टाइम टेकिंग टू हीट द का वाटर फ्राम ट्वेंटी फाइव टू टी सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर ऑफ़ द हीटर जो है वो 500 हंड्रेड वॉट है और मास है वाटर का वन के जी स्पेसिफिक हीट है फोर पॉइंट टू किलोजल टी वन है ट्वेंटी फाइव टी टू है सेवेंटी फाइव हमने चेंज इन टेम्परेचर जो करना है वो फिफ्टी करना है तो वाटर को जो एनर्जी मिलेगी वो डेल्टा क्यू इजिकल टू एम सी डेल्टा टी होगा और डेल्टा क्यू ये जो एनर्जी है ये ले गए हीटर से और हीटर जो एनर्जी देगा वो होगा पावर इन टाइम तो पी इंटू टी हमने लिखा है डेल्टा क्यों की जगह जिसमें से टाइम को हमने अलग करके मालूम किया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फोर ट्वेंटी सेकेंड्स जवाब आया है मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो सेवन मिनट इसका जवाब आएगा तो यहाँ पे हम जो टिक करेंगे वो सी ऑप्शन सेवन मिनट्स टिक करेंगे उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे है नंबर ट्वेंटी थ्री अ कंटेनर इज़ फिल्ड ये सवाल इन्होंने दिया है स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट से जबकि सवाल का स्पेसिफिक हीट और मोलर से कोई रबता बनता ही नहीं है तो ट्वेंटी थ्री में है अ कंटेनर इज़ फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड हीट द सेम टेम्परेचर द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ थर्टी टू ग्राम पर मोल एंड दट ऑफ हीलियम इज़ फ़ फोर ग्राम पर मोल तो वाट इज़ द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन की स्पीड और हीम की स्पीड इनका रेशियो हमने मालूम करना है यहाँ पे आप देख रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन हमने दिया है थर्टी टू मोल हीलियम का मास भी गिवन है रेशो इनका मालूम करना है तो दो गैसेस की वेलोसिटी दो गैसेस की वेलोसिटीज का रेशो हम मालूम करते हैं ये वेलोसिटीज का रेशो और इनके मासेस का रेडिकल ये इनवर्स हैं ये फार्मूला केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं तो मास ऑफ हीलियम हमने रखा है फ़ोर और ऑक्सीजन का मास हमने रखा है थर्टी टू तो यहाँ पे आप रेशो देख रहे हैं वन रेशो रेडिकल एट तो ए ऑप्शन वन अपान रेडिकल एट खाली रेडिकल एट वन अपन एट या एट तो यहाँ पे हम टिक करेंगे वन अपान रेडिकल एट बाकी दूसरा पार्ट जैसे ही आ जाएगा तो उसका लिंक में भेज दूँगा